morning, Chiva. What good? Good morning. Hello, friends. Good morning. Konnichiwa. See, guys, it's बहुत अच्छी धूप है. इधर सामने मेरी सोसाइटी में ही आप लोग देख सकते हैं, इधर एक स्कूल है, प्ले स्कूल. वहाँ ये बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे. सी आप देख सकते हैं, रेड कैप ग्रीन कैप. ए वायु भी आया है बेबीज को देखने. हाँ आप भी देखने आए हो, आप भी जाओगे नीचे ऐसे खेलने. हाँ वायु लव्स योर डैडी. यहाँ है वायु की बॉटल, ये मैं कर देती हूँ बॉइल. थोड़ा सा डाल देती हूँ लिक्विड, मैं इसी में ऐड कर देती हूँ लिक्विड. ग्रीन टी इधर मेरी बन चुकी है, अभी छान देती हूँ फटाफट. मैं ग्रीन टी पी चुकी हूँ, ये मेरे हस्बैंड के लिए है. ये सारे कपड़े मैंने कल वॉश किए थे बट फोल्ड नहीं कर पाई, अभी मैं इनको फोल्ड करती हूँ फिर जाऊंगी शावर लेने. गाइस मैंने शावर ले लिया है, अब मैं चलती हूँ वायु की मसाज करने. आज मैंने वायु से पहले शावर ले लिया है. एक्चुअली बच्चे के साथ कोई रूटीन फिक्स नहीं हो पाता है. श्रुति श्रुति हो रही है क्या? जैसे ही मैं फ्री होके आई वायु की मसाज के लिए, भाई साहब सो गए गहरी नींद में. गहरी नींद में सोए हैं हम, हमको मत उठाना. तो इसको उठने का वेट करेंगे, उठेगा तब इसकी मसाज होगी, तब ये भी नहाएगा. तो ये स्वेटर जो इसने पहना है इसकी दादी ने बनाया है स्पेशल इसके लिए. माय सो ड्राई फ्रूट्स, मैंने थोड़े से फ्रूट कट कर लिए हैं. जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको सबको पता होगा कि मुझे फ्रूट्स कितने पसंद है. तो अब मैं खाती हूँ थोड़े से फ्रूट्स. मैं एक्चुअली एप्पल का ना छिलका नहीं निकालती, मुझे एप्पल छिलके के साथ ही खाना पसंद है. बस अच्छे से वॉश मैंने कर लिया है. इधर मैं लंच बना लेती हूँ. आज मैं बनाऊंगी अरहर की दाल, चावल. चावल मैंने भिगो के रख दिया है और आलू की भुजिया. एक आलू सफिशियंट है हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए. चलिए दाल चढ़ा देती हूँ. एक्चुअली दाल मैं गाइस बहुत ही प्लेन बनाती हूँ, सिंपल ही खाना खा रही हूँ आजकल. तो ये मेरे घर का घी है, मेरी सासू माँ ने भेजा है, गाय का घी है. दाल में मैं स्टार्टिंग में ही तड़का लगा देती हूँ तो थोड़ा सा मेहनत कम लगती है. स्टार्टिंग में ही मैं तड़का लगा देती हूँ. थोड़ा सा जीरा, हींग. जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं न्यू मॉम हूँ तो हींग खाना मेरे लिए अच्छा है, बीबी को गैस नहीं बनेगी. बस ब्राउन हो जाएगा, इसमें दाल ऐड कर दूंगी और दो या तीन मिनट मेरी दाल रेडी. दाल चावल के साथ मैंने बताया मैं आलू की भुजिया भी खाती हूँ. मैं क्या एक्चुअली मेरे हस्बैंड ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनके लिए बनाती हूँ, तो मैं भी खा ही लेती हूँ. आलू मैंने अंदर छोटा छोटा चॉप कर लिया, यहाँ पैन रख दिया, गैस ऑन कर दी है, सिंपल है. हाँ उन्हें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, ऑयल मैं बहुत कम यूज कर रही हूँ फिलहाल. जीरा, तेल गरम ही नहीं हुआ था. हींग इसमें भी डाल देती हूँ, हींग हींग हींग. बस जीरा ब्राउन हो जाएगा, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, लाल मिर्ची डालूंगी और नमक. आलू डाल के क्रिस्पी होने तक पका लूंगी, बन जाती है तो दिखाती हूँ आपको.
आलू मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है गैस। धनिया पाउडर, एक्चुअली सारी स्पाइसेस का स्टॉक इसमें रखा है नीचे अंदर, इसमें है, इसमें है, इधर मेरे बर्तन हैं। बन के रेडी। अले वाह, मेरा बच्चा तो उठ गया है क्या? आ जाओ जल्दी जल्दी मालिश कर दें, मसाज कर दें, कर दें। आज मम्मा लेट हो गई क्या? हाँ मम्मा लेट हो गई। नाउ वाइफ इज रेडी। लोई रोई रोई रोई, चलो अभी डूडू पी के फ्रेश हो जाते हैं। ओके हाँ रेडी हो गए। नहीं नहीं करके रेडी हो गए। मम्मा ने टिक्का नहीं लगाया, लाओ लगा दे। ये वायु का कजरोटा, आओ ई क्या छुंदर छुंदर बच्चा। हेलो बोल दो, हेलो गाइस। चलो अभी डूडू पी के सो जाओ। सो जाओ। क्या हुआ बोलो, रोना है? रोने का मन कर रहा है, बहुत जोर से कर रहा है। हाँ मम्मा उठा ले, हाँ मम्मा उठा ले, मम्मा उठा ले। क्या बोलो बोलो, रोगे? हाँ बहुत जोर से। हाँ बोलो। मम्मा उठा ले, बस हो गया, बस इतना ही। अच्छी, यह वायु की मैट्रेस है, मालिश मालिश मैट्रेस और टॉवल। मैं इसको बाहर धूप में सुखा देती हूँ, आज धूप बहुत अच्छी निकली है। ये ऑलरेडी इसके कपड़े सूखे हुए हैं, अभी मैंने उतारे नहीं हैं। और इसमें कपड़े धो के डाले हुए हैं उसके आज के, इनको भी सुखाना है। तो मिलती हूँ कपड़े सुखा के। सो खाना बन चुका है, बस मैं सर्व कर देती हूँ। आई नो आप लोगों को दाल बड़ी बोरिंग बोरिंग सी लग रही होगी, बट हम लोग ऐसी दाल पसंद कर रहे हैं अभी आजकल, काफी है। थोड़ा सा दही, ये जापानी दही है, काफी अच्छा होता है, टेस्टी होता है। मेजी, ये इस ब्रांड के सभी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट काफी टेस्टी होते हैं। ये मलंच की थाली अपने हस्बैंड को देते हुए, हस्बैंड एक्चुअली मिस्टर इंडिया हैं, आपको सुनाई तो देंगे बट आपको नजर नहीं आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे लंच करके, मैं भी लंच कर लेती हूँ। कितना बज गया आपको टाइम भी दिखा देती हूँ, बज रहे हैं तो आउच। एक्चुअली हाँ आपसे एक बात और मैं शेयर करती हूँ, जापान का टाइम इंडिया के टाइम से 3.5 मतलब 3.5 घंटे आगे है। सपोज अगर इंडिया में बजेंगे 9 तो यहाँ बजेगा 12:30। ओके बाय बाय। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 7:15, देख लीजिए। तो अभी टी टाइम हो चुका है, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। अदरक, दूध, का पैन लिया।
रोई रोई नहीं करते बेटुक। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं वायु की आवाज? वायु ने रोना स्टार्ट कर दिया है। बस इसको मैं अच्छे से खोलने दूंगी सिम पर, खोलती रहेगी खोलती रहेगी, आदि हो जाएगी, फिर मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी। गिरा मेरा दूध जापान में, दूध ऐसे मिलता है पैकेट में। मेरी चाय बनके रेडी हो गई, आ जाइए चाय पी लीजिए। थोड़ा सा चाय के साथ स्नैक्स तो बनता है। ब्रेड भी मेरी सिक चुकी है। यस, तो मैं चलती हूँ चाय। गाइस, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि नाइट हो चुकी है, आपको मिरर फ्लैक्स में दिख रहे होंगे वायु एंड उसके पापा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और नहीं अच्छा लगा फिर भी कर दीजिए। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।